बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित भले ही 53 साल की हो चुकी हैं, लेकिन आज भी माधुरी अपनी खूबसूरती, अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के जरिए फैंस के दिलों पर राज करती हैं। भले ही इन दिनों फिल्मी पर्दे से दूर हो माधुरी, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं। सोशल मीडिया पर माधुरी दीक्षित शेयर करती हुई नजर आती हैं अपने दिलकश और खूबसूरत तस्वीरें। इस दौरान माधुरी दीक्षित का शाही अंदाज भी देखने को मिलता है। वेल, जहां एक और माधुरी दीक्षित फिल्मी पर्दे से दूर हैं, तो वहीं टीवी टाउन की दुनिया में छाई हुई हैं। इन दिनों माधुरी दीक्षित रियलिटी शो डांस दीवाने सीजन 3 में बतौर जज के तौर पर नजर आ रही हैं। और इस दौरान देखा जाए तो माधुरी दीक्षित से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और शो में माधुरी दीक्षित की तारीफ हर कोई करते हुए नजर आता है। ऐसा ही नजारा देखने को मिला है एक बार फिर से, जब रियलिटी शो डांस दीवाने सीजन 3 के सेट पर पहुंचे हिमेंद्र धर्मेंद्र भी माधुरी दीक्षित की तारीफ करते हुए दिखाई दिए हैं। वेल, बताना चाहेंगे आप सभी को कि आखिरकार माधुरी दीक्षित की खूबसूरती को देखकर धर्मेंद्र ने क्या कहा है। वेल, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि शो के सेट पर जब धर्मेंद्र पहुंचे तो पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए धर्मेंद्र ने तमाम बातें शेयर की, लेकिन साथ ही साथ धर्मेंद्र ने माधुरी दीक्षित की खूबसूरती को देखकर भी कुछ ऐसी बातें कह डाली जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि धर्मेंद्र ने माधुरी दीक्षित की खूबसूरती की भी काफ़ी तारीफ की। धर्मेंद्र भरी महफिल में माधुरी के साथ खुलकर फ्लर्ट करते हुए नजर आए बेहद मजेदार अंदाज में। जी हाँ दोस्तों, धर्मेंद्र के साथ साथ पहुंचे थे सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा, जो धर्मेंद्र को देखते ही रह गए। धर्मेंद्र ने कहा था, और माधुरी तो ये फिल्में तो साथ कर रही थी, लेकिन मेरी हीरोइन नहीं थी। इनकी मुस्कुराहट पे क्या कहूँ, बहुत प्यारी लगती हैं। यहाँ से देख रहा हूँ तो कहते हैं ना कि कुछ कुछ होता है, पता नहीं क्या है, भगवान ने मेरे अंदर खास पुर्जे लगा दिए हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। और इस तरह से धर्मेंद्र ने माधुरी दीक्षित की जमकर तारीफ की। वेल, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि साल 1995 में धर्मेंद्र और जितेंद्र की फिल्म आई थी और उस फिल्म में माधुरी दीक्षित ने भी काम किया था। और इस फिल्म में माधुरी दीक्षित धर्मेंद्र के अपोजिट नहीं बल्कि जितेंद्र के अपोजिट नजर आई थी, और ये फिल्म थी पापी देवता। और इस तरह से देखा जाए तो सोशल मीडिया पर लगातार माधुरी दीक्षित छाई रहती हैं अपनी खूबसूरती के जरिए। हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।